Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the character sketch of Caroline Bingley from the novel Pride and Prejudice. तो चलिए करते हैं इसका character sketch. Miss Caroline Bingley is the sister of Mr. Bingley. Miss Caroline Bingley जो है वो Mr. Bingley की sister हैं. She is proud, arrogant and envious. वो बहुत ही घमंडी है और बहुत ही जो दूसरों से ईर्ष्या रखने वाली है. She is very selfish. वह बहुत ही स्वार्थी है. शी रिमेन्स सेल्फ सेंटर्ड एंड इज प्राइडफुल. वो खुद तक ही सीमित रखती है. अपने आप तक उसने केंद्रित किया हुआ है और खुद पे उसे बहुत ही घमंड है. उसके कैरेक्टर की कुछ विशेषताएं हैं जो इस तरह से हैं. विलिंग टू मैरी मिस्टर डार्सी. वो मिस्टर डार्सी से शादी करना चाहती है. जैसे बाकी सब लड़कियों को होता है कि उन्हें एक अच्छा रिच और सुंदर हस्बैंड मिले, तो मिस कैरोलिन बिंगले वांट्स टू बिकम द वाइफ ऑफ मिस्टर डार्सी. मिस कैरोलिन बिंगले भी यही चाहती हैं कि वो मिस्टर डार्सी की वाइफ बने. शी डज एवरीथिंग टू गेट द अटेंशन ऑफ मिस्टर डार्सी. और वो उसका अटेंशन लेने के लिए सब कुछ करती हैं. वो क्या कुछ करती है? शी अप्रिशिएट्स एवरीथिंग रिलेटेड टू हिम. जो चीज़ भी उससे संबंधित है उसका वो प्रशंसा करती है. शी प्रेजेस हर सिस्टर हिज सिस्टर्स. वो उसकी सिस्टर की प्रेज करती है. हिज स्टेट उसकी स्टेट की जो है वो प्रेज करती है. हिज नॉलेज उसकी नॉलेज की वो जो है प्रेज करती है. एंड हिज टेस्ट और जो उसे पसंद है वो सब वो खुद भी ये प्रिटेंड करती है कि उसे भी पसंद है. डार्सी हेट्स हर फ्लैटरिंग नेचर. और डार्सी को उसकी ये खुशामदी वाली जो प्रकृति है वो उसे पसंद नहीं है. उसे नहीं पसंद है कि कोई उसे फ्लैटर करे. व्हेन शी फेल्स शी बिगिंस टू क्रिटिसाइज एलिजाबेथ एंड हर फैमिली. और जब वो उसका अटेंशन लेने में फेल हो जाती है और डार्सी जो है उसको इग्नोर करता है, तो फिर वो क्या करना शुरू कर देती है? वो एलिजाबेथ को और उसकी फैमिली को जो है वो डिस्ग्रेस करना शुरू कर देती है. उसकी आलोचना करना शुरू कर देती है. दिस मेक्स डार्सी एनॉयड एंड ही बिगिंस टू इग्नोर हर. और इस तरह से डार्सी जो है उसको अच्छा नहीं लगता और वो उसे इग्नोर करना शुरू कर देता है. प्राउड एंड एरोगेंट उसे बहुत घमंड है. शी इज़ प्राउड ऑफ हर रिचनेस. उसे अपनी रिचनेस का कि मैं अमीर फैमिली से रिलेटेड हूँ उसका बहुत घमंड है. शी डज नॉट लाइक एलिजाबेथ एंड हर फैमिली. वो एलिजाबेथ को और उसकी फैमिली को पसंद नहीं करती है. शी कॉन्स्टेंटली ट्राइज टू मेक एलिजाबेथ फॉल फ्रॉम द आइज ऑफ डार्सी. और वो लगातार ये कोशिश करती रहती है कि डार्सी की नज़रों में एलिजाबेथ को गिराया जाए. मिस बिंगले एंड डार्सी बोथ कंस्पायर अगेंस्ट मिस चेन सो दैट बिंगले एंड मिस चेन गेट सेपरेटेड. अब मिस बिंगले और जो डार्सी है वो दोनों एक षड्यंत्र रचती हैं जेन और बिंगले को अलग करने के लिए. क्यों? द रीज़न बिहाइंड दैट वॉज. और उसके पीछे जो रीज़न है वो क्या होता है? दैट मिस्टर डार्सी डज नॉट लाइक द वल्गैरिटी ऑफ मिसिस बैनेट. कि जो मिस्टर डार्सी है उनको श्रीमती बैनेट जो कि जेन की मम्मा है उनकी वल्गैरिटी उनका अश्लील व्यवहार जो था वो अच्छा नहीं लगा. और इसीलिए उनको लगा कि वो अच्छी फैमिली नहीं. एंड ही डज नॉट वॉन्ट हिज फ्रेंड मिस्टर बिंगले टू डेवलप एनी रिलेशनशिप विद द बैनेट्स. और वो नहीं चाहता था कि बैनेट्स के साथ उसका कोई भी संबंध स्थापित हो. एंड मिस कैरोलिन बिंगले वॉन्ट्स हर ब्रदर टू मैरी डार्सी सिस्टर. और मिस कैरोलिन बिंगले क्यों उस षड्यंत्र में शामिल थी? क्योंकि वो चाहती हैं कि जो उसका भाई है मिस्टर बिंगले वो डार्सी की सिस्टर के साथ शादी करे. सो दैट दे बोथ कम क्लोजर एज शी वॉन्ट्स टू मैरी मिस्टर डार्सी. और उसको लगता है कि इस तरह से उनका एक जो है रिश्तेदारी बन जाएगी और वो डार्सी के और नज़दीक आ जाएगी. अब क्योंकि वो डार्सी से शादी करना चाहती थी इसलिए वो चाहती थी कि डार्सी की सिस्टर से उसका भाई शादी करे. मिस बिंगले राइट्स अ लेटर टू जेन. और इसके लिए मिस बिंगले क्या करती हैं? वो जेन को एक लेटर लिखती हैं दैट हिंट्स अबाउट द सेल ऑफ नीदरफील्ड पार्क. जो कि जिक्र करता है कि नीदरफील्ड पार्क को जो मिस्टर बिंगले है वो बेच देंगे. एंड इवन मैरिंग हिज ब्रदर मिस्टर बिंगले टू डार्सी सिस्टर. और ये भी जिक्र किया होता है कि डार्सी की सिस्टर के साथ उसके भाई की शादी होगी. इनसिंसियर एंड हाइपोक्रिटिकल.
वो सिंसियर नहीं है और बहुत ही बनावटी उसका व्यवहार है. कैसे? व्हेन एलिजाबेथ बिकम्स एंगेज टू डार्सी. अब अल्टीमेटली एलिजाबेथ जो है उसकी शादी, उसकी जो इंगेजमेंट है वो डार्सी के साथ हो जाती है. शी रिटेन्स हर डिज़ायर टू विजिट द पेम्बरली स्टेट्स. लेकिन वो अपने जो पेम्बरली स्टेट को स्टेट है उसको विजिट करने की अपनी इच्छा जाहिर करती है. शी ट्राइज टू बी फ्रेंडली विद एलिजाबेथ. और अब क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं सकती, डार्सी के साथ एलिजाबेथ की इंगेजमेंट हो गई है, तो वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो एलिजाबेथ के साथ बहुत ही दोस्ताना है. मिस बिंगले लोसेस द गुड ओपिनियन ऑफ मिस जेन. अब एलिजाबेथ की जो सबसे बड़ी सिस्टर है जेन, उसकी नज़रों में भी वो गिर जाती है. मिस बिंगले, जेन इज़ गुड एंड चैरिटेबल बाई नेचर. जेन जो है वो उसका स्वभाव जो है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही चैरिटेबल है बाय नेचर वो. शी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू बी गुड एंड चैरिटेबल इन केस ऑफ मिस बिंगले. लेकिन मिस बिंगले के साथ ना तो वो गुड हो पाती है और ना ही उसके साथ चैरिटेबल होती है. जेन्स ओपिनियन अबाउट मिस बिंगले इज़ दैट शी इज़ इनसेंसियर एंड हाइपोक्रिटिकल. और जेन का ओपिनियन क्या है कि मिस बिंगले जो है वो ना तो सिंसियर है और बहुत ही ज़्यादा दिखावटीपन है उसके व्यवहार में. इन दिस वे वी सी दैट मिस बिंगले इज़ नॉट डिसेंट. इस तरह से हम देखते हैं जब हम इस नावल को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि जितना भी हमने मिस बिंगले के बारे में पढ़ा कि वो डिसेंट नहीं है, सिंसियर नहीं है और वेलकमिंग बाय नेचर नहीं है, कि वो किसी को अच्छी नहीं लगती है. हर रोल इन द नावल इज़ नॉट वेरी सिग्निफिकेंट. उसका रोल जो है इस नावल में वो भी कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है. शी इज़ यूज्ड एज अ फॉयल टू द टू एल्डेस्ट बैनेट गर्ल्स. और वो दो बैनेट गर्ल्स जो हैं उनके फॉयल के रूप में यूज़ की जाती है. जेन्स मोडेस्टी, जेन का जो नम्र स्वभाव है, एंड एलिजाबेथ स्वीट नेचर, और एलिजाबेथ का जो मीठा पन है, गेट अंडरलाइंड प्रोमिनेंटली व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट हर वल्गैरिटी एंड स्पिटफुलनेस. जब उसका कंपैरिजन हम उसकी वल्गैरिटी और स्पिटफुलनेस से करते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस बिंगले. होप यू हैव वॉच्ड द वीडियो टिल एंड यू हैव अंडरस्टूड मिस कैरोलिन बिंगले वेरी वेल इन द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइस. सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय. हैव अ नाइस टाइम.